हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, हो गई है दिन की शुरुआत। सुबह की 9 बजे का ये टाइम है और 9 बजे मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कोहरा लगा है और तगड़े वाली ना जो ठंड होती है वो शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और धूप तो नहीं है, कोहरा लगा है। साथ साथ में आप देख सकते हैं कपड़े भी कितने हिल रहे हैं। हवा भी काफ़ी तेज चली हुई थी जिसकी वजह से ना बाहर निकलना मुश्किल था बिल्कुल। अभी आई हूँ अखरीश को स्कूल छोड़ के। बिट्टू तो चली जाती है अपने डैडी के साथ, अखरीश को छोड़ने की ड्यूटी मेरी होती है, तो उसको स्कूल छोड़ के आई मैं। अभी सुबह के 9 या 9:15 बजे का ये टाइम था, अखरीश का 9:30 बजे का स्कूल होता है, तो 9:10 पे ऐसी मैं निकल जाती हूँ उसको लेके। और स्कूल पास में ही है तो 5 मिनट ही लगते हैं मुझे स्कूल छोड़ने में उसको। उसके बाद घर पे आई और सोचा आपको बाहर का थोड़ा मौसम दिखाऊं। मौसम बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत बुरा हाल है ठंड से। तो बस वापस से दरवाजे खिड़कियां वगैरह सब बंद करके पर्दे वगैरह लगा दिए हैं ताकि कहीं से भी घर के अंदर जरा सा भी हवा ना आ पाए। और फिर जो है एक चाय पी थी, एनर्जी ड्रिंक अपनी मॉर्निंग के लिए है। उसके बाद लग गई हूँ अपने कामों पर। तो घर की साफ सफाई, जैसे झाड़ू तो लग चुका था, पोछा नहीं लगाया था अभी मैंने, और आज मैं पूरे घर में पोछा भी नहीं लगाऊंगी। पोछा बस जैसे किचन हो गया और थोड़ा थोड़ा जो मेन मेन सी जगह होती है ना, वहां वहां ही बस पोछा लगाने वाली हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके ना सारी जगह लग ही जाता है। मंदिर वाले रूम में मुझे लगाना ही पड़ता है डेली, किचन में भी लगाना पड़ता है, बाकी यहाँ पे जहाँ पे सोफा वगैरह लगे हैं, यहाँ पे कालीन बिछा है, बस यहीं पे नहीं लगता है। बाकी नहीं तो मैं इसके नीचे भी ना इसको हटा हटा के पोछा लगा देती हूँ, पर आज नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, बहुत हिम्मत लानी पड़ती है ऐसे मौसम में काम करने का। जितना आप बैठे रहेंगे ना आपको आलस आएगा और ठंडा फील होगा। तो बस सोचा जो है घर की डस्टिंग पहले कर लूं। झाड़ू तो लग चुकी थी पूरे घर में, झाड़ू मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी। जैसे कि मैं आजकल आपको पता ही है कि मैं उठते ही सबसे पहले घर की झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद ही पूरे घर में पोछा वगैरह बाद में लगता है जब बच्चे और बच्चों के पापा चले जाते हैं। तो देखिए पूरे घर में डस्टिंग करने के बाद सोचा बाहर तो आज नहीं निकल सकते हैं, तो बस घर के अंदर ही जो जो मेरे पेंडिंग काम होते हैं ना उनको निपटाने में मैं लग गई हूँ क्योंकि बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जितना मैं कंबल के अंदर बैठी रहूंगी मुझे ठंडा ही लगेगा। तो सोचा क्यों ना अपने काम भी मैं निपटाती हुई चलूं। तो यहाँ पे एक चाय पीने के लिए मैं अपना थोड़ा देर 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद अगेन लग जाती हूँ अपने कामों पर। तो यहाँ पे जो मेरा ये सिंक एरिया है बाथरूम के अंदर, ये थोड़ा सा गंदा हो रखा था, इसको हफ्ते में 2 बार तो साफ करना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं घर में, साबुन वगैरह यूज करते हैं, ब्रश करते हैं ना, तो कोलगेट इधर उधर लगा के साथ में साबुन की छींटे वगैरह इधर उधर गिरते हैं तो उनके धब्बे से लग जाते हैं, तो उनको साफ करना डेली डेली जरूरी हो जाता है। बाकी इस तरीके से मैं हार्पिक वगैरह डाल के डेली साफ नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे ही जो है साफ कर लेती हूँ। बाकी एक दिन हफ्ते में 1-2 दिन में इस तरीके से अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ अपने सिंक एरिया को। तो देखिए पूरा सिंक वगैरह चमका दिया है मैंने और ठंडे पानी से काम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। गीजर चला रखा था, गर्म पानी से ही काम कर रही हूँ क्योंकि ठंडे पानी से काम करने की ना तो अब मेरे अंदर अभी हिम्मत है और ना तो पानी इतना ठंडा था, मतलब बर्फ के जैसा, ना तो उससे काम करना पॉसिबल था। घर के काम वगैरह मैंने निपटाया, उसके बाद मैंने नहाया है क्योंकि बिना नहाए हुए चैन नहीं मिलता मुझे और जिस दिन बाथरूम वगैरह साफ करो उस दिन तो जरूरी हो जाता है। वैसे तो नहाना डेली ही होता है चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो। अपना नहाया धोया मैंने, उसके बाद जो है चली गई थी दूध लाने के लिए। तो बाहर ठंडा था, मन तो बिल्कुल नहीं था जाने का। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कितना बार बार ठंडा ठंडा बोलती रहती है, पर क्या करूँ मौसम ही ऐसा है ना, आपको कुछ दिन और सुनने को मिलेगा कि बहुत ठंड है, बाकी जब गर्मी आ जाएगी फिर गर्मी है ये सुनने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो है दूध लेके आ गई हूँ मैं और सब्जी लेके आई थी, तो सब्जियां बिना ऐसी रखी हुई थी क्योंकि इनको अरेंज मैंने नहीं करा था शाम के टाइम। तो अभी मैंने पहले तो अपने घर के काम सारे निपटाए हैं, उसके बाद जो है जो मेन मेन काम होते हैं ना उनको मैं पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो ये सब्जियाँ वगैरह लगाने का काम है इसको मैं आराम से करती हूँ क्योंकि फिर मुझे वेजिटेबल्स सारे वॉश करके रखने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपको, उस टाइम मुझे थोड़ा जल्दबाजी थी तो मैंने टमाटर वगैरह ऐसे ही वॉश बिना वॉश करे हुए फ्रिज में रख दिए थे। तो आप लोगों में से ना 1-2 लोगों ने कमेंट करे थे कि बिना वॉश करे हुए वेजिटेबल नहीं रखने चाहिए, तो मैं
कभी नहीं रखती हूँ। अगर कभी इतना अर्जेंट हो जाता है तो मुझे मजबूरी होती है, मुझे रखना पड़ता है, तो फिर उस टाइम में रख भी दो ना, तो फिर बाद में उनको अच्छे से वॉश करके फिर ड्राई करके उसके बाद ही फ्रिज में अरेंज करती हूँ, क्योंकि इससे ना फ्रिज भी गंदा होता है और साथ में हमारे वेजिटेबल्स की लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाती है अगर हम उनको वॉश करके रखते हैं तो। अगर हम उनको वॉश करके नहीं रखते हैं ना तो सब्जियां वगैरह जल्दी खराब होने लग जाती हैं। तो जैसे गाजर वगैरह है, इनको तो अच्छे से ड्राई करना पड़ता है मतलब धोने के बाद, नहीं तो ये सड़ने लग जाते हैं गाजर। और टमाटर जैसे है ना, टमाटर अगर थोड़ा सा गीला भी है उसको आप फ्रिज में रख भी देंगे ना तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। गाजर ऐसी चीज है जो कि बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है। तो यहाँ पे कल सब्जी लेने गई थी तो सब्जियां लाई थी, साथ में ढेर सारे फ्रूट्स लेके आ गई थी, क्योंकि मार्केट जाओ तो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, साथ में जो है बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फ्रूट्स घर में जरूर चाहिए होते हैं। बच्चों के टिफिन में फ्रूट्स तो इनके स्कूल में डेली अलाउड, मतलब डेली है कि फ्रूट्स कुछ ना कुछ देना ही है, तो चाहे घर पे हो ना हो पर बच्चों के टिफिन के लिए मुझे रखना पड़ता है। और फ्रूट में इतने ले आती हूँ जो कि हफ्ते भर आराम से हमारे चल जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैं प्याज टमाटर वगैरह लाई थी ना उनको मैं रख दूंगी। आलू मैंने जो है वॉश नहीं करे हैं अभी, आलू मैंने ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि धूप बाहर बिल्कुल है नहीं। अगर मैं आलूओं को वॉश करके रखूंगी तो उनको सुखाने में मुश्किल होगी, फिर आलू ना सड़ने लग जाते हैं। तो सारी चीजों को जो है लगा दिया है। उसके बाद फ्रूट के लिए मैंने बलई वाली जो टोकरी है ना वो खाली कर ली थी, क्योंकि फ्रूट सारे इसमें इकट्ठे एक साथ ही आ जाएंगे। फ्रूट्स में मैं लेके आई थी कीनू, साथ में पपाया, और लेके आई थी अमरूद और अंगूर। अंगूर तो वैसे बहुत ठंडा है अभी, पर अंगूर ना मेरा कब से खाने का मन कर रहा था तो मैं 1 किलो ही अंगूर लेके आई थी, ज्यादा नहीं लाई क्योंकि फिर बच्चे ज्यादा खाते हैं ना उनको कोल्ड कफ होने लगता है। वैसे लाई तो थी मैं, मेरा मन था इसलिए, पर बच्चे जो है बच्चों ने फ्रूट देख के बोल दिया था मम्मा हमारे टिफिन में ग्रेप्स ही रखना, तो जो है हम लोगों के हिसाब से आते हैं पर खाना सब बच्चों को ही होता है। होता भी अगर बच्चा खा लेता है ना तो मेरा मन तो वैसे ही भर जाता है, बच्चों ने खा लिया मैंने भी खा लिया है। अभी जो है सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने निकाल दिए हैं पॉली बैग में से जो भी मैं लेके गई थी। अब उनको अरेंज करने की बारी आती है। जो जो चीजें जहां रखने की थी जैसे गोभी वगैरह वो मैं फ्रिज में रख दूंगी एक एक टोकरी में डाल के, साथ में जो जो फ्रूट्स हैं जो जो वेजिटेबल्स मुझे वॉश करने हैं उनको फटाफट से कर लेंगे वॉश, क्योंकि ग्रेप्स वगैरह ऐसी चीज होती है ना जो कि बच्चे अभी स्कूल से आएंगे तो बच्चे देख के बस बोलेंगे मम्मा हमें ग्रेप्स खाने हैं। बाकी मॉर्निंग में मैंने उनको दे भी दिया था टिफिन में थोड़ा रख के, क्योंकि उन्होंने रात को ही बोल दिया था हमें ग्रेप्स ही ले जाना है। बाकी जो वॉश नहीं करे थे ना इनको भी मैं वॉश करके रख दूंगी, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ऐसा होता है अगर आपने वॉश करके रखे हैं तो बड़े हो चाहे बच्चे हो जिसका भी मन खाने का है तो ये ना हो कि धुला नहीं है, बच्चे तो धोने से रहे। और मेरे बच्चों की तो आदत है वैसे ही, जब भी वो फ्रूट्स खाते हैं ना एक बार मुझे दिखाते जरूर है कि मम्मा आपने वॉश करा है या नहीं करा है, क्योंकि उनको पता है बिना वॉश करे हुए फ्रूट्स हमें नहीं खाने हैं। तो मैं फिर भी वॉश करके रखती हूँ ताकि बच्चे खाएंगे भी तो अपना जो है वॉश करे हुए रहेंगे, जब उनका मन करेगा वो अपना खा लेंगे। पपाया लेके आई थी क्योंकि मुझे पपाया ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पे पपाया मुझे मिल गया था 20 रुपये किलो और ये 2.5 किलो हुआ था 50 रुपये का, और इतना मीठा पपाया था ना, और ना तो बहुत ज़्यादा पका था ना तो बिल्कुल कच्चा था, अच्छा पपाया मिल गया था तो मैंने कट करके ही लाई थी। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अगर पक्का नहीं होगा तो मैं नहीं ले जाऊँगी, तो फिर वो दुकान वाले भैया ने ना मुझे खुद ही छाट के दिया कि मैडम आप ये ले जाओ, क्योंकि उनको लगा कि ये नहीं ले जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। मैंने दूसरा लिया था, उन्होंने वो वाला हटा के मुझे बोला मैं आपको देता हूँ आप इसको ले जाओ, मैं आपको कट करके भी दिखा दूंगा। और पपाया सच में बहुत ज्यादा जो है अच्छा मिल गया था, कच्चा भी नहीं था ज्यादा, और पपाया ना हमें खाना भी चाहिए, हमारे पेट के लिए भी काफी अच्छा होता है तो काफ़ी फायदा करता है पपाया, और पपाया गर्म भी होता है जैसे सर्दियों में तो अच्छा होता है। यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को वॉश करके रख दिया है। गाजर भी मैंने धो दिया है क्योंकि गाजर लेके आई थी मैं हलवा बनाने के लिए। मैंने एक बार हलवा बनाया है अभी, जब अक्रिस का बर्थडे था तभी बनाया था, तब से मेरे घर में हलवा भी नहीं बना है। तो सर्दी जाते जाते एक दो बार हलवा फिर से खा लेंगे, तो अभी मैंने उनको वॉश करके रख दिया था। हलवा मैं शाम को बनाऊंगी क्योंकि हलवे में ज़्यादा टाइम लगता है, अभी उनको कद्दूकस वगैरह भी करना है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वो मैं आराम से करूंगी जब मेरा इवनिंग का फ्री टाइम होता है ना उस टाइम पे। फिलहाल यहाँ पे 2-3 दिन से ये आटा आया है और आटा थोड़ा सा
था इस कंटेनर में, जिसकी वजह से कि मैंने खाली नहीं करा था। अभी कंटेनर बिल्कुल खाली था, तो इसमें जो है मैंने आटा फिल कर दिया है। और कल मेरा वीडियो नहीं आया था, आप लोगों के कमेंट आए थे मुझे कि दीदी आज का दिन हमारा कैसे निकलेगा, आप ऐसा मत क्या करो, वीडियो डेली डाला करो। तो वैसे तो मैं वीडियो डेली डालती ही हूँ, पर संडे के दिन ना आप लोग ज़्यादा इंतज़ार मत करा करिए वीडियो का, क्योंकि संडे को ज़्यादातर ना मैं गैप ले लेती हूँ। पूरे हफ्ते भर वीडियो बना बना के ना मेरी भी आंखों में दर्द हो जाता है, एडिटिंग वगैरह कर करके आंखें ना मेरी बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं, धुंधला सा दिखने लगता है एडिटिंग कर करके। और संडे का दिन फिर ऐसा होता है, बच्चे भी घर पे होते हैं, बच्चों को स्कूल से ट्यूशन से हर साइड से छुट्टी होती है, तो एक दिन ऐसा मेरे को भी चाहिए कि जिस दिन मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मुझे भी मिलनी चाहिए। घर के कामों से तो नहीं मिलती है, कम से कम यूट्यूब की मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ। बाकी मंडे टू सैटरडे आपको डेली वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, कोशिश करूँगी कि संडे को भी डाल पाऊँ। पर आप लोग ना इंतज़ार में मत बैठा करिए संडे के दिन कि दीदी का वीडियो आएगा, क्योंकि आप होता है अगर हम किसी चीज़ का दिल से इंतजार करते हैं फिर वो चीज़ एन मौके पे पता चले कि वो चीज़ नहीं हो रही है तो बहुत बुरा लगता है। कल आपके कमेंट पढ़ के ना मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार आप लोग वेट कर रहे हो, मैंने वीडियो नहीं डाला। पर कोई बात नहीं, मंडे से आपको कंटिन्यू वीडियो जो है अब देखने को मिलेंगी। आटा मैंने फिल कराना, तो मेरे नीचे वाले कैबिनेट जो है वो भी थोड़ा सा मुझे गंदे दिख रहे थे, तो खाना बना बनाते हैं ना तो वहाँ पे हाथ लगता रहता है। तो बस अब जो है लास्ट काम मैं अपने लिए फ्रूट्स काटूंगी। और हम लेडीज़ के अंदर ना यही आदत होती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे बाहर आंधी तूफान कुछ भी आए, पर हमारे घर के काम नहीं रुक सकते हैं। और जब थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम होता है ना, उसमें भी हम कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं कि नहीं फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ काम करना है। तो आज मैंने इतने सारे अपने अंदर ही अंदर काम करे, बहुत अच्छे से मैंने आज पूरे घर में डस्टिंग भी करी थी। सारी चीज़ें तो आपको डस्टिंग करते हुए नहीं दिखाई थी, पर मैंने सारे रूम, दोनों रूम की डस्टिंग करी थी। बाकी जो है किचन के कैबिनेट को भी साफ़ कर लिया था, और बहुत सारे काम ना मेरे हो गए हैं। बाथरूम थोड़ा सा साफ़ करना था, वो भी कर लिया था। तो वही होता है, मतलब हम लेडीज़ खाली नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ काम करने के लिए ना चाहिए होता है, और ज़रूरी भी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है बोलते हैं ना, तो शैतान का घर दिमाग को नहीं बना के अपने कामों में बिजी रहना ही सबसे अच्छा लगता है मुझे तो, और मुझे इसी में ही सुकून भी मिलता है। फिलहाल जो है फ्रूट्स लेके आई थी, वैसे तो ठंड की वजह से मन नहीं करता फ्रूट्स खाने का, पर मैं फ्रूट्स जैसे मैं नाश्ते के बाद वाली जो चाय पीती हूँ ना वो मैं आजकल स्किप कर लेती हूँ। उस टाइम पर मैं पपाया वगैरह कट करके खा लेती हूँ ना, तो नहीं तो हस्बैंड बहुत डांटते हैं, फ्रूट्स ले आते हो खाते नहीं हो तो फिर वेस्ट होते हैं ऐसी। तो मैं अपने लिए फ्रूट्स काट लेती हूँ दिन में आजकल, जैसे एक ऑरेंज खा लिया, थोड़ा सा पपाया खा लिया, तो थोड़ा सा अमरूद वगैरह जो भी मन हो ना खा के थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं अपने कामों से फ्री हो गई हूँ, अब जो है मैं लंच भी चढ़ा के आ गई थी फ्रूट काटने के साथ साथ ही। अब मुझे जो है बच्चों को लेने जाना है, अभी 12 बजे हैं, बच्चों को लेने मैं 2 बजे जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी मेरे पास। अब थोड़ा देर आराम से बैठ के अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूँगी, साथ में जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको किसी भी वजह से जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।